नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत कम समय में बहुत कम सामान से बनने वाली घरेलू मिठाई मलाई ब्रेड रोल बनाने की रेसिपी लाई हूँ। जब भी हमारा कुछ मीठा खाने का मन हो या घर में गेस्ट आने वाले हो तो हम इस मिठाई को ब्रेड से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से इस माउथ वाटरिंग मलाई ब्रेड रोल को बनाना शुरू करते हैं। मलाई रोल बनाने के लिए आधा लीटर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, 5 ब्रेड की स्लाइस है, 2 टेबल स्पून दूध पाउडर, 2 टेबल स्पून शक्कर और थोड़ी सी केसर के धागे मैंने दूध में डाल के रखे हैं ताकि इसका कलर और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा आ जाए। और स्टफिंग के लिए आधी कटोरी मावा है, ये होममेड मावा है, 2 टेबल स्पून पिसी हुई शक्कर है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स पे मैंने काजू और बादाम लिया है और 5 छोटी हरी इलायची। तो इलायची को भी खोल के अब इसके दाने निकाल कर पाउडर बना लेंगे और बादाम और काजू को भी बारीक बारीक कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में मावा नहीं है तो उसके बदले आप आधी कटोरी दूध और आधी कटोरी दूध पाउडर डालकर उसे गैस पर चला लेंगे तो वो आपका मावा बनकर तैयार हो जाएगा। अब सबसे पहले हम दूध उबलने के लिए रख लेते हैं। अब हम दूध में ये जो हमने मिल्क पाउडर लिया था, मिल्क पाउडर और शक्कर, ये दोनों चीजें इसमें डाल देंगे। चम्मच से अच्छे से हिला लेंगे, उसे घोल लेंगे और गैस पर उबलने के लिए रख लेते हैं। और जब तक उबालेंगे जब तक कि दूध अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। दूध को हिलाते हुए हमने अच्छे से उबाल लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा गाढ़ा हो गया है। इसी पे समझ में आ रहा है आपको कि दूध कितना अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब हमने जो केसर का दूध बनाकर तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे ताकि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी और कलर भी इसका अच्छा हो जाएगा। 2-3 मिनट हम इसे और अच्छे से उबलने देते हैं और इसे उतार कर ठंडा होने देंगे। हमारी दूध की रबड़ी ठंडी होती है तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। ये जो हमने मावा लिया है वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा बड़ा बाउल ले लिया है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। शक्कर पाउडर है, इसे भी डाल देंगे। इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया था शक्कर, तो ये पाउडर बनकर तैयार हो गया है। और मैंने काजू और बादाम को बारीक बारीक कट कर लिया है और इलायची के भी पाउडर बनाकर मैंने इसी में शामिल कर दिया है, इसे भी डाल देंगे। ये हमारी मजेदार स्टफिंग बनकर तैयार है। इसे हम अच्छे से हिला के और मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी ठंड का मौसम है तो घी पूरा जमा हुआ है मावे में, तो वो थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो हम पेन में डाल के इसे 2 मिनट गर्म कर लेते हैं ताकि ये हमारा इसका पूरा ड्राई फ्रूट्स के साथ में मावा और शक्कर सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। मैं इसे गैस पर रख लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ 2 मिनट हमने इसे गैस पर गर्म कर लिया तो मावा भी अच्छे से लूज हो गया, उसने घी छोड़ दिया और हमने जिस इसमें शक्कर और जो मसाला ये पूरा डाला है, ड्राई फ्रूट्स की कटिंग डाली है, सब बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बस हमें ऐसा ही ये करना है ताकि हमारी स्टफिंग अच्छे से ब्रेड में लगा पाएंगे। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। रबड़ी और स्टफिंग ठंडी होती है तब तक हम ब्रेड की तैयारी कर लेते हैं। इसकी हमें ये जो ब्राउन वाली एजेस है इसे काटना है इस तरह से। ये मैंने कट करके रख ली है, ऐसे ही मैं सारी ब्रेड की एजेस कट कर लेती हूँ। सारी ब्रेड के मैंने इस तरह से एजेस कट कर लिए हैं। फ्रेंड्स, इसे हम फेंकेंगे नहीं, ब्रेड क्रम्स बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम एक ब्रेड लेंगे और इसे बेलन से बेल लेंगे इस तरह से ताकि इसके अच्छे से रोल बन जाएंगे। अब चम्मच से हम इसमें स्टफिंग रख लेंगे।
2 मिनट का डेजर्ट है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। और इसमें से अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो उसे आप स्किप कर सकते हैं। मैं बहुत सारी स्टफिंग डाल रही हूँ ताकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आए। हालांकि रोल बहुत बड़ा नहीं बनेगा, इसे हम इस तरह से रोल बना लेंगे। और जिसमें हमें इसे सेट करना है उसमें हम इसे रख देंगे। मैंने चारों रोल एक ट्रे में इस तरह से बनाकर रख लिए हैं। अब जो हमारा रबड़ी वाला दूध है बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है। देखिए कितना बढ़िया हमारा रबड़ी वाला दूध बनकर तैयार है। अब हम इस पर पूरा अच्छे से रोल पर लगा देंगे। तो 5 मिनट में ये हमारा बहुत ही टेस्टी डेजर्ट बनकर तैयार हो गया है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाला। बड़े छोटे सब लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी नई रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँ तो आप उसे इंजॉय कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है बहुत ही कम समय में। अब मेरे पास ये जो मावे वाला जो स्टफिंग हमने इसमें तैयार की थी वो बच गई है, तो मैं वो भी थोड़ी थोड़ी सी इस पे डाल देती हूँ, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और दिखने में भी ये बहुत ही बढ़िया वाली मिठाई दिखने लगी है। और इसी तरह से बादाम को मैंने हाफ कट करके रखा है, वो इसके ऊपर रख देंगे। लग रही है ना बहुत ज्यादा डिलीशियस। तो फ्रेंड्स, इस आसान सी रेसिपी को आप भी एक बार जरूर घर पर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके घर में भी सभी से बहुत पसंद करेंगे। 2 मिनट का बनाने का समय और 4-5 पीस ब्रेड, बन गया ना बहुत बढ़िया वाला डेजर्ट। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।